नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संडे इवनिंग बिल्कुल तैयार हूं लेकर आप सभी के लिए रविवार की शाम सितारों के नाम, एक ऐसा शो जहां पर आप अपने 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 सेलिब्रिटीज, अपने पसंदीदा जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं, उनसे बातें होती है, उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। वेल, आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उन्हें किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यारी है, मेरी बहुत ही करीबी है और हम सबकी फेवरेट है, नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस ऋचा शर्मा। ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया निमेश। और आपको पता है दैट कि आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू टॉक टू यू, लाइक यू नो, किसी भी शो में या फिर अदरवाइज हम कहीं मिलते हैं। आप बात करते बिल्कुल, आज बहुत सारी बातें हमें करनी है, हमें यूपी की बातें करनी, कानपुर की बातें करनी। ऋचा, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी सी नेटवर्क की इशू हुई थी, अभी आप सुन पा रही है मुझे? हाँ जी, बिल्कुल मैं भी सुन पा रहा हूँ। तो शुरुआत हम करने वाले हैं, ऋचा ने हम सबका दिल जीता है और जैसे कि हम जानते हैं कि इन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया है हम सबको, और ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी उम्मीद ने हम सबको बहुत मोटिवेट किया, इस वीडियो ने बहुत मोटिवेट किया, इन सबको लेकर आज हम बातें करेंगे। लेकिन ऋचा, जब इंटरव्यू शुरू कर रहा हूं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ बचपन की बातें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं करियर लेकर प्रोफेशन लेकर बातें बाद में करूंगा, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, आप बचपन में कैसी थी, हम सब जानना चाहेंगे। कानपुर की रहने वाली आप हैं, कुछ बताना चाहेंगी बचपन में ऋचा कैसी थी? मुझे, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं बिल्कुल वैसी अभी भी हूँ, लेकिन बचपन में मतलब मैं इतना सिंपल और एकदम सीधी सादी, जैसे होता है दैट हर किसी की बात मान लेना, किसी ने कुछ बोला, हम लोग चार भाई बहन हैं और यू नो लाइक मैं आई एम द मिडिल वन, माय एल्डर सिस्टर, देन माय ब्रदर, देन माय सेल्फ एंड मेरी छोटी बहन है, तो सबका जोर मेरे ऊपर चलता था दैट कि अच्छा ठीक है, तो तुम ये काम कर दो, तुम वो काम कर दो। और अभी सब मुझे बोलते हैं दैट कि ओ माय गॉड, नाउ लाइक यू नो द वे यू टॉक, और ये वही वाली ऋचा है हमारी। तो मैंने कहा, लेकिन अंदर से दिल वैसा वैसा ही है अभी भी। बट ये चीज मुझे बहुत, मेरे ख्याल से जो सिंप्लिसिटी है और जो ऑनेस्टी, यू नो, वो हमेशा बहुत बहुत काम आती है निमेश। एंड यस, दैट यू नो, ये जो बचपन की जो पापा और मम्मी आज भी मतलब बोलते हैं दैट कि नहीं, हमारी सबसे ओबीडियंट बच्ची जो है, मतलब सारे भाई बहनों एकदम मुंह पे बोलते हैं सबके सामने दैट यू नो, हमेशा कहना मानना, बात सुनना। मतलब मैंने मिस कानपुर में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी लाइक यू नो, वो आज तक इस बात को याद करते हैं कि दो दिन पहले हमारे घर में एक मिस हैपनिंग हो गई थी और मैंने वो शो भी छोड़ दिया था, मतलब यू नो कि मैं नहीं जाऊंगी, और जबकि पूरा एक महीने की ट्रेनिंग की थी मैंने, और लेकिन जब ऊपर वाला होता है ना तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, रुकावटें आती हैं लेकिन रुकावटों को आगे बढ़ी और ऋचा ने हम सबको प्राउड फील कराया, इन सबको लेकर हम बातें करना चाहेंगे। ऋचा, स्टडीज में कैसी थी आप? बहुत स्टूडियस थी, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा थी, स्पोर्ट्स में ज्यादा थी, या फैशन लेकर बचपन से ही आपने सोचना शुरू कर दिया था? किस तरह से शुरुआत हुई थी? अनिमेश, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू नो, व्हेन आई टेल माय फ्रेंड्स, दे गेट सो सरप्राइज्ड बिकॉज़ आई एम केमिस्ट्री ऑनर्स, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, एंड बहुत 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 अच्छी थी मैं पढ़ाई में। मतलब मुझे आज कई बार ऐसा लगता है कि शायद अगर सही गाइडलाइन या फिर सही तरीके से मैं जाती तो शायद मैं डॉक्टर होती आज, क्योंकि यू नो, हमेशा क्लास में फर्स्ट आना, पेपर में फोटोज आती थी मेरी दैट यू नो, जब मेरे मार्क्स लाइक यू नो, इन क्लास 10 आई वाज फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड आई 97% आए थे मेरे, तो जिसमें यू नो लाइक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था कि वो शिट रिजल्ट आने वाला है, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं पेपर में रोल नंबर ही नहीं है, फिर वो जो सामने जो मेडिकल स्टोर वाला बंदा है वो कह रहा है कि तो आपकी फोटो है ऊपर में, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, एंड ही सेड कि आपने तो टॉप किया है। क्या बात। सो आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज और पढ़ाई में, और कभी भी मतलब यू नो, कोई लड़का अगर कुछ बोल देता था, अगर सपोज हम स्कूल में या कहीं पे भी, तो मतलब सभी मतलब मेरी हंसी उड़ाते थे कि मैं रोना शुरू कर देती थी। okay. कैसे बोला तुमने मुझे, तुमने मुझे, मैं अपने पापा को बोल दूंगी, अपने भाई को बुला लूंगी। जी। तो पढ़ाई में तो काफी अच्छी थी, पढ़ाकू थी, पढ़ाकू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाकू थी, और पेपर में जो तस्वीर जो थी वो आती थी, लेकिन इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद कर लेती थी? केमिस्ट्री से बहुत फॉर्मूलाज याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, तो बट यू नो लाइक मुझे बहुत केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, यू नो लाइक, तो इसीलिए और रिएक्शंस एंड टीचर्स लाइक यू नो, माय टीचर यूज्ड टू राइट
ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पे लिखती थी और मैं उससे पहले उसको सॉल्व करके उनको बता देती थी. क्या बात, यार बिल्कुल. तो मेरी डॉटर कई बार अभी अभी मेरा वो... जी जी कुछ बोल रहे थे. सॉरी, तो मेरी, हाँ जी, मेरी डॉटर बड़ी खुश होती है दैट कि मम्मा माय गॉड लाइक आपकी केमिस्ट्री. बिल्कुल, जब पेपर में तस्वीर जो है वो आई थी, एजुकेशन लेकर जब बातें हो रही है. लेकिन एक और चीज जो तस्वीर हम सब के दिल को जीता वो था 2011-2012 का मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2011-2012 का ये तस्वीर, ये प्राउड मोमेंट हम सब के लिए था. तो ऋचा बताना चाहेंगी, ये तस्वीर भी बहुत लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया. और वो कहते हैं कि महिलाएं जो होती हैं, कहा जाता था, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि वो जॉब करती हैं, अपने 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 ड्रीम्स को पूरा करती हैं शादी होने के पहले तक. लेकिन बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी होने के बाद जो करियर जो है वो शुरू हुआ, उनका उनका जो सपना था वो पूरा हुआ. आपकी करियर, आपका ग्राफ, आपका फ्यूचर जो है वो और ज्यादा स्मूथ जाने लगा शादी के बाद, क्योंकि आपने ये खिताब जीता, उसके बाद काफी कुछ बदल के रख दिया. ऋचा बताना चाहेंगी, वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें, कैसे शुरुआत हुई थी, किस तरह से आपने ऑनलाइन ऑडिशन भी दिया था, बहुत सारे राउंड थे, कुछ बताना चाहेंगी क्या था वो प्रोसेस? अनिमेश अभी तो मतलब यू नो ये वाली पिक्चर अभी तो अगेन आई गॉट रियली ओवरवेल्म्ड एंड यू नो आईज गॉट वेट बिकॉज़ मेरे लिए मतलब एकदम टर्निंग पॉइंट था वो, यू कैन से दैट एक टर्निंग पॉइंट व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न एंड दिस वाज माय अनदर टर्निंग पॉइंट व्हिच वाज मतलब बोलते हैं ना दैट कि हम जब कुछ चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो हम अगर उसके पीछे लग जाए तो हमें, मेरे ख्याल से दैट ईश्वर भी हमें वो चीज दे देता है. बट यू नो बट पूरी मेहनत उसके पीछे बहुत ज्यादा जरूरी है, हार्डवर्क बहुत जरूरी है, जो कि मैंने दिल से किया. आज कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने 100% दिया. और ऑडिशंस भी जब दिए, इनफैक्ट बाद में मुंबई गई, फिर मैंने ट्रेनिंग करी शिवालिका शर्मा के संग. सो आई वॉज जस्ट गेटिंग माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर दिस, कि एक जो इच्छा थी, एंड आई वॉज टीचिंग दैट टाइम यू नो. सो स्कूल में मैं श्री श्री अकेडमी में पढ़ाती थी, वहाँ मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने प्रिंसिपल को बोला दैट कि मैं थोड़ा एक महीने के लिए जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू रेजिनेट माई सेल्फ. वो भी अगर सुनेंगी तो वो बिकॉज शी नोज नाउ दैट यू नो. तो उसके बाद में गई एंड बस लाइक यू नो लॉट ऑफ हर्डल्स ऑल्सो केम, जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, विमेन आर देयर, यू नो देर आर लिटिल पॉलिटिक्स एंड देर इज जेलसी. But patience and I think that your hard work and just being yourself got me where I am today. बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी बहुत सारी आई, रुकावटें बहुत सारी आई. तो मुझे बताना चाहेंगे इसके बाद बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि इंडिया को आपने रिप्रेजेंट भी किया था मिसेज इंटरनेशनल पेजेंट में जो शिकागो में हुआ था. तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी, बहुत कुछ बदल के रख दिया उसके बाद. हाँ जी, वहाँ पे इनफैक्ट कई बार मुझे ऐसे लगा बीच में दैट यू नो ठीक है, मैं अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे लगता था दैट यू नो परेशान हो गई हूँ. कभी मेरा काजल नहीं मिलता था, तो कभी मेरी लिपस्टिक नहीं मिलती थी, तो ऐसे लगता था दैट ओ माय गॉड. बट यू नो बिकॉज एवरी डे तो आप अपना मेकअप किसी से आपको खुद ही करना है, बिकॉज दैट ऑल्सो यू आर लर्निंग देयर. तो यू नो ऐसे लगता था दैट कि छोड़ छाड़ के चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन जब सबसे बात करते तो सब देते नई एक्सपीरियंस लेके आना है, सोचो मत कि तुमको जीतना है, तुमको अपना 100% देना है. तो यू नो जब फाइनल डे में, फिनाले में, जब यू नो क्वेश्चन आंसर्स राउंड हुए, सब कुछ हुआ, निमेश विल बी सरप्राइज दैट एवरीथिंग वाज यू नो बीइंग कवर्ड, एवरीथिंग वाज देयर अंडर द आईज ऑफ द कैमरा, यू नो लाइक सो एवरीथिंग वाज कैप्चर्ड. सो व्हेन आई एम लाइक लुकिंग फॉर माय थिंग्स यू नो, and also they are showing my face, and then the director told that you know today she has done wonderfully, but apart from that her journey of last 7 days, the way she has conducted herself and the way she has shown her patience and everything, so here we show you. And I am like oh my god because you know I didn't fight with anyone, I didn't argue with anyone, and I used to be like okay kajal nahi koi baat nahi hum aise hi chale jayenge. Are wah kya baat. To mujhe batana chahenge Richa, ye shuruaat to uske baad ho gayi aur bahut sari problems bhi aa rahi thi, lekin aapne solve kiya. Family ka kaisa support raha aapko? Full support, you know, complete support. I will be very honest because sabne और सबको बस मैंने एक ही रिक्वेस्ट करी कि अभी किसी को बताना मत. बट यू नो अभी बिल्कुल मत बताना, बिकॉज
एंड दे सेड कि नो यू शुड बी बिकॉज नाउ यू आर सिलेक्टेड इन टॉप 10 दैट इटसेल्फ इज अ यू नो इट्स इट्स एन अचीवमेंट देन आई सेड यस बट लेट मी कम बैक एंड बट देन यू नो बाय द टाइम आई रीच देयर दैट हियर हिंदुस्तान टाइम्स एंड ऑल दीज पेपर्स हैड ऑलरेडी गिवन दिस न्यूज सो they were also very happy and welcomed me like anything when I came back and yes my daughter the most happy moment was when I did not realize game won it okay. and I was like oh, seriously and then I had like tears tears क्या बात है तो उसके बाद हमने बहुत सारे अगर हम एक्टिंग की बातें करें वहां पे भी आप नजर आई जैसे कि सबसे बड़ी खबर जो मिली आपको हमने देखा एवरी 68 मिनट्स में सभी के दिल को छू गया आपके इस किरदार ने तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है अगर एक्सपीरियंस शेयर करें आदिल हुसैन भी नजर आए थे जो फादर के रोल में नजर आए थे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और इस चीज के लिए मैं डेफिनेटली दैट डेविड एंड गोलायथ फिल्म्स को मैं बहुत बहुत व्हाट टू से दैट थैंक्स बोलना चाहूंगी बिकॉज दे रियली थॉट दैट ओके आई कैन एक्चुअली जस्टिफाई दिस रोल बिकॉज आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर डेविड एंड गोलायथ दे आर इन टू ऑलिव्स एंड ऑलिव ऑयल एंड वाइन सो वेन वी वर डूइंग द एड इन द गोवा यू नो सो इट वॉज द एड फॉर ऑलिव्स So that time that, you know, the chairman told me that, you know, why actually you're not into full-time acting? Then I said like, you know, maybe I didn't get those kind of roles. So though I had done 2-3 Bollywood films, but then, you know, those substantial roles where I can actually show my acting skills that, okay, I can also act. Then he said, okay. He didn't say anything and we come back and then he said, do you know any? Anybody like, who's a lady director and who's your friend also and then I spoke to Anindya Sarbadhikari then you know they did lot of drift and oh my god like it was a very very good experience and when I was shooting also that Adil Hussain and Tota and everybody in fact Arup Ratan Roy is also there and so you know like that time they all used to just after every scene they used to just clap and I used to like oh is it and cameraman you used to forget you know just bas cut bolo hi mat karne do usko kya baat bilkul ye bahut hi and then you know character kafi acha tha bilkul ha sorry kuch bol rahe the ji aap ji uske baad jab you know humne premiere kiya that you know the chairman and Imran Zaki, jo hai director of the company, so they did a very, very like premiere in a very big way. So their people came and everybody appreciated. And Vikram Ghosh there on stage, he tells that you know Richa has proved that she's not only a beauty queen, she's a very good artist. So and Shibu Prasad, you know, he said like Richa, you are rediscovered. This is something you know. So all these things actually touched my heart, and I'm really thankful to DNG for that. बिल्कुल डीएनडी को हम देख रहे हैं कि वो एक से एक अच्छे अच्छे काम जो है वो करते जा रहे हैं डेविड एंड गोलायथ की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है तो डीएनजी की जब बातें हो रही है तो मुझे बताना चाहेंगे ऋचा और क्या क्या प्लान्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं आने वाले दिनों में और भी डीएनजी की तरफ से मूवीज आएगी शॉर्ट फिल्म तो आती रहती है तो कुछ और भी प्लान आप लोग कर रहे हैं हाँ जी अभी एक फिल्म हमने राजोशी दे के संग की है अ सेपरेट स्काई जिसमें भी काफी सब्सटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मैंने प्ले किया है एंड उसमें बॉनी सेन गुप्ता हैं प्रियंका रतिपा है काफी अच्छे अच्छे रोनिता है एंड देन कमल एवरीबॉडी इन द फिल्म एंड इवन सुदीप्ता है सुदीप्ता दिस वी आर प्लानिंग टू रिलीज आफ्टर द इलेक्शन सो दिस इज व्हाट लाइक यू नो इट इज डेफिनेटली देयर कॉल बिकॉज they are extremely intelligent and wise in this thing that okay when should we do it and so that time we are thinking because every 68 minutes we have bahut mere khayal se world ne abhi nahi dekhi hai although we have got more than 15 to 16 awards so we will do both the films that time you know every 68 minute a separate sky will do the premiere and then together with that wow. and we also did a music video with Sean Banerjee so that was Tera Mera Rishta That was also appreciated a lot, Animesh, you know, and
again, I would really like to thank, because I always wanted to do a music video where you can, with a song, you can show a storyline जिसमें जिसमें एक छोटे से बच्चे ने, 15-16 इयर्स का बच्चा ओम ने ये गाना गाया है, जिसको भी डीएनजी ने लॉन्च किया है. सो इवन बहुत लाइक सारी, यू नो बहुत व्हाट टू सारी से, चीजें. जितना बोलू उतना कम बिल्कुल है. बिल्कुल ऋचा, हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहें, हम सबको अच्छी अच्छी तरीके से एंटरटेन करते रहें. वैसे ऋचा, मैं जानना चाहूंगा, ये लॉकडाउन का जो पीरियड गया था, 1 साल करीब करीब होने जा रहा है, और 24th वाली वो रात, यानी कि 23rd की मिडनाइट वाली रात जो है वो हमें याद आ रही है, तो कितना टफ था ये पिछला 1 साल, कितना टफ गया है, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, हमने इनफैक्ट अगेन डीएनजी ने उम्मीद करके एक बनाया म्यूजिक जी वीडियो, जिसमें आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट, एंड दैट वाज लाइक यू नो यू कैन से होप. ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं अनिमेश, विद इन अ मंथ, 21 मार्च को भी स्टार्टेड है, उसके बाद एक महीना जो निकला, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, बिकॉज वी आर यूज टू वर्किंग एंड वी आर यूज टू राइट गोइंग फॉर एन इवेंट एंड गोइंग टू इनॉगरेट समथिंग और द अदर एंड देन माई शूट एंड ऑल दैट. बट येस, आफ्टर डूइंग दैट समझ में आया दैट कि यस, दैट होप, उम्मीद इज देयर, सो व्हाई नॉट दैट वी यूटिलाइज दिस टाइम, जो हम घर पे हैं हम उसको यूटिलाइज करते हैं एंड फैमिली के संग समय गुजारते हैं. और डेफिनेटली जो आशना और मेरा जो बॉन्डिंग विच जी वॉज ऑलवेज देयर, मेरी डॉटर और मेरा, बट लॉकडाउन के टाइम इट हैज ग्रोन ऑल द मोर, एंड इट्स लाइक अमेजिंग. एंड ऑल्सो दैट आई लव कुकिंग, इसके लिए भी टाइम नहीं मिलता था, तो वो भी मैंने काफी आई डिड दैट टाइम. आई ऑल्सो इंडल्ज माई सेल्फ इन टू योगा, फिटनेस, तो ऋचा, अभी इस वक्त विच आप वॉज देख मे पा बी रही होंगी, मिसिंग एंड अभी इस वक्त उम्मीद वीडियो जो है हम देख रहे हैं, वीडियो क्लिपिंग्स जो है वो देख रहे हैं. तो इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई थी? ये शूटिंग तो पूरी मैं कैलकटा में देख पा रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं, कहाँ पे शूट किया? क्योंकि उस समय लॉकडाउन का पीरियड था, ज्यादा बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो शूट आप लोगों ने कहाँ किया था? ने कैलकटा में ही दैट विश्व बांग्ला सरानी जी. वहां पे किया, और फिर काफी सारी जगह पे जिसमें हमने लाइक दैट डीएनजी ने पूरा परमिशन लिया था पुलिस से ओके. किसी से म्यूजिक वीडियो एंड सॉरी, परमिशन लिया एंड देन जस्ट फॉर वन डे मेरे कुछ शॉर्ट्स थे उन्होंने जो सॉरी जस्ट गिव मी अ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मोमेंट. टेक योर टाइम. तो ऋचा के साथ आज हमारी बातें हो रही है, और रविवार की शाम सितारों के या नाम, आई एम संडे फाइन. इवनिंग जो है इससे अच्छा नहीं हो. जी ऋचा, कुछ कहना चाहेंगी? जी, बहुत ही प्यारा सा ये वीडियो था, एक पॉजिटिविटी थी इस वीडियो में जो हमने देखा था. जी फीलिंग हॉट, नो नो इट्स ओके, सॉरी. सो मैं बोल रही थी आपको दैट यस, तो फिर उसके बाद हमने कुछ शॉर्ट्स लिए, बट कुछ शॉर्ट्स जो हमने यूज किए, जो हम पहला वैशाख के लिए शूट कर चुके थे, ओके okay. क्योंकि लॉकडाउन के टाइम इतना निकलना, बिल्कुल. बट तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. यस यस, यू कैन सी दैट ऑल दीज थिंग्स. बहुत ही प्यारे इस वीडियो के जो लिरिक्स हैं, उम्मीद के जो लिरिक्स हैं, वो काफी अच्छे हैं, और लोगों को बहुत पसंद आया ये वीडियो. इस वीडियो को लेकर हमने बातें की, यस, तो तो मुझे बताना चाहेंगे एनके सिंह जी ने इसका इसका किया था? जी, एनके सिंह जी ने किया था. जी बोलिए. हाँ जी हाँ जी हाँ, वही बोल रही थी, सॉरी. हाँ बोलिए. मैं बता रहा था कि लॉकडाउन जो है वो अब खत्म हुआ, और धीरे धीरे करके लाइव जो है वो पटरी पर आने लगी. ऋचा, दुबई में कुछ वीडियो शूट हुआ है, उसके बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगी? अभी जस्ट आप कोलकाता आई हैं, तो कुछ बताना चाहेंगी, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा. यहाँ पे कैलकटा में एक मॉडल एक्टर राज शाह करके, उनके साथ हमने ये किया एंड कौशिक एंड रजत ने पूरा स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग. यासिर देसाई इज अ सिंगर एंड डायरेक्टर इज फ्रॉम बॉम्बे, अमन प्रजापत, एंड जी इज प्रोड्यूसिंग दिस, एंड वी आर रियली होपफुल एंड वी हैव डन अ वंडरफुल शूट इन दुबई. वाह, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, एंड हमने सोचा था इनफैक्ट विमेंस डे तक आ जाएगा, लेकिन कुछ टाइम स्लॉट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आई थिंक विद इन 10 days वी आर गोइंग टू रिलीज दैट. ओके. सो हमने वहाँ पे पूरा ड्यून में एंड डेजर्ट में सब जगह शूट किया. सो अच्छा लगा. अभी आप कहीं और लॉकडाउन में मैक्सिमम आप दुबई चले जा सकते हो जी एंड देन गोवा जा सकते बिल्कुल. हो.
बिल्कुल। तो विमेंस डे जो है वो बहुत नजदीक अभी गया है, तो कुछ बताना चाहेंगे ऋचा, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, आपकी तरह बनना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, उन्हें क्या-क्या चीजों पे ध्यान देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं यूथ को बोलूंगी दैट आज जो बच्चे जो हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के सभी को दैट आप जो हो उसी को इनहेंस करो, और अपने अंदर जो स्किल्स है, अपने अंदर जो क्वालिटी है, आप ये मत सोचो कि आप उसके जैसे बन जाओ. जी लाइक इन द सेंस, अगर आज ऋचा शर्मा वॉन्ट्स टू बी प्रियंका चोपड़ा, नो, ऋचा शर्मा इज ऋचा शर्मा. शी करेक्ट विल एंड सी सी योर सेल्फ इन द मिरर एवरी डे एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट फेस, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी. सो दैट इज वॉट आई वुड लाइक टू टेल द यूथ दैट कि ओके, ओवर नाइट आप कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए आपको पूरी लगन की जरूरत है, और आप जो हो उसी को अपने आप को इनहेंस करो. इट इज वेरी बिल्कुल सही। नेसेसरी बिकॉज वॉट आई सी ना दैट मुझे अभी यही मुझे लगता है दैट कि अरे आई विश मैं ऐसा हो जाता, आई विश मैं ऐसी हो जाती. अरे भाई, आपके अंदर भी बहुत कुछ है, आप अपने आप को ही इनहेंस करो. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड यस, दैट विमेंस डे आई फील दैट इट इज वी शुड सेलिब्रेट इक्वालिटी, बिल्कुल वी शुड बहुत सेलिब्रेट जरूरी है, ह्यूमैनिटी. बिल्कुल जरूरी है। तो ऋचा, हमेशा से हमने देखा है कि आप अच्छे अच्छे कॉज के साथ भी जुड़ी रहती हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो कुछ बताना चाहेंगी? जितनी जितनी आप खूबसूरत हैं, उतने ही अच्छे अच्छे काम भी करती रहती हैं, तो आप हमेशा हर किसी के बारे में सोचती हैं, तो बताना चाहेंगी, लोगों से कुछ कहना चाहेंगी, अच्छे कॉज के साथ हमेशा आप जुड़ी हुई नजर आई हैं। जी, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट किसी की भी मदद करके. पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकते ना हम अनिमेश, लेकिन किसी एक की मदद तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कहीं से तो शुरुआत करने की जरूरत है, तो उसी की दुनिया बदल जाएगी कम से कम. और दूसरी चीज दैट आई मतलब मैं बोलना चाहूंगी दैट नुसरत, जो कि मुझे बहुत प्यार से दीदी बोलती है और इस बात को इतना अप्रिशिएट करती है दैट उसने जब मुझे फोन किया कि दीदी आप इतनी जगह पे जाते हो, मुझे चल गया है लेकिन मुझे भी जाना है, तो इतनी बार हम लोग जाते हैं विदाउट कैमरास, विदाउट फोन, एंड वी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, एंड किसी को भी पता नहीं चलता है. कई बार तो ठीक है, लाइक मीडिया गेट्स टू नो व्हाटएवर, बट दिस इज समथिंग व्हिच वी रियली वांट टू डू विदाउट पीपल नोइंग. एंड देयर आर प्लेसेस वेयर इफ यू सी दैट जब मैं जाती हूँ वहां, वो लोग बोलते हैं हमारे लिए एक बेटी है, पता है ऋचा शर्मा, वाह क्या हमारे बात तो इतना अच्छा लगता है ना अनिमेश. वो बोलते हैं कि मतलब एक ये ऑल बंगाल वुमेन एसोसिएशन में वहां पे जिस जो प्यार मिलता है, मतलब मैं जो वहां से निकलती हूँ तो शायद मतलब दो तीन हैंकीज और दो तीन टिश्यूज तो पूरे एकदम गीले हो जाते क्या हैं बात उनके संग डांस करना. और वो लोग कहते हैं कि आप आते हो और हमारा 4 महीना निकल जाता है सिर्फ ये सोच के कि अरे आपने कितना आपके संग एंजॉय किया. एंड वाह वी प्ले, वी डांस, वी टॉक, वो लोग अपने दिल की बात करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमेशा याद रह जाती है और काफी अच्छा लगता है। और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप अच्छे अच्छे कॉज के साथ जुड़े रहें। और ऋचा, जब आपके साथ बातें हो रही है, तो हमारे शो रविवार की शाम सितारों के नाम में जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो हमारे सितारे आते हैं, उनको मैं एक टाइम मशीन देता हूँ। तो मैं अब आपको भी एक टाइम मशीन देने वाला हूँ। इस टाइम मशीन में बैठकर आप किसी भी एरा में जा सकती हैं, किसी भी वक्त में जा सकती हैं। मुझे मुझे पता है आप पास्ट में ही जाना चाहेंगी, फ्यूचर देखकर क्या होगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर तो छोड़ दीजिए, हम पास्ट की बातें करते हैं। अगर आपको कोई एक एरा में जाना हो, आपके जन्म के पहले भी आप जा सकती हैं, तो कहाँ जाना चाहेंगी, किससे मिलना चाहेंगी, किसके साथ बैठकर, आधे घंटे का वक्त है, आप उनके साथ बात कर सकती हैं, कुछ देख सकती हैं, कहाँ जाना चाहेंगी आप? मैं ऑनेस्टली बोलूं दैट कि मैं शायद आगे ही सोचती हूँ, बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कंटेंट हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ. लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब अमिताभ जी के संग सिर्फ आधा घंटा नहीं, एक दिन, क्या पूरा बात है, एक दिन मिल क्या बात जाए और उनसे उनसे इतना कुछ सीखना है ना निमेश, जो आज भी उनका इतना ग्राउंडेड और इतना डाउन टू अर्थ बिल्कुल नेचर, सही, और बिल्कुल इसीलिए सही, वो आज जहां पर हैं, तो उनके साथ जरूर मेरा बहुत मन है दैट कि मैं उनसे एक बार मिली हूँ जब मैं आगे हीरो कर रही थी, और वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूल सकती अनिमेश. लेकिन उस वक्त शायद बात करने का इतना मौका मिला नहीं, लेकिन शायद वो मेरी बात सुन पाए कि अच्छा ठीक है ऋचा तू आ जा
बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि और भी अच्छे अच्छे रोल्स आप करें, चैलेंजिंग रोल्स करें। कुछ बॉलीवुड प्लान्स भी कर रही है ऋचा, कुछ बातें हो रही है इस तरह की? हाँ जी, यस यस, देर आर लाइक यू नो 3 प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, एंड ऑल्सो यस आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई अनदर फिल्म आवार कंचनजंगा, विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई जी, हार्ट, करेक्ट। हाँ प्रोड्यूस बाय अक्षत एंड शिल्पी पांडे, एंड हम लोगों ने 17 आर्टिस्ट इसमें हैं जी, और सभी ने इतना अच्छा काम किया निमेश, और किसी को भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसने ज्यादा और किसने कम, सबका इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर, और दार्जिलिंग में जाके हम हाँ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, मतलब मैं अभी चाहता हूँ, सो वी रियली मिस दोज मोमेंट्स। क्या बात, क्या बात। बिल्कुल, इस मूवी का हम सबको इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच ऋचा हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके। जब जब आपके साथ मुलाकात होती है, एक पॉजिटिविटी आती है, और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप खुश रहें और इसी तरह से हम सबको एंटरटेन करते रहें। बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी। ये एक डिजिटल इंटरव्यू था, बैठ कर फिर से स्टूडियो में बैठ कर ढेर सारी बातें और भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच रविवार की शाम सितारों के नाम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, रविवार की शाम सितारों के नाम, क्या आई बात है, एंजॉयड थैंक यू, एवरी बिट ऑफ वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू इट, सो थैंक यू मच, एनीवे, थैंक थैंक्स, टेक केयर। यू, हमारे साथ ही नन अदर देन वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड ऋचा शर्मा, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी आज रविवार की शाम सितारों के नाम में। जी, अब बहुत सारी बातें हमने की, बहुत मेहनत इन्होंने की है, और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल ये खिताब इनको मिला था 2011-2012 में, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद से तो ये कभी नहीं रुकी, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में नजर आई हैं, एल्बम्स में नजर आई हैं, टीवी शो में नजर आई हैं, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे किरदार जो है वो हमेशा निभाए हैं। तो ऐसे ही आपके फेवरेट गेस्ट के साथ, फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकात होती रहेगी हर वीक। नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मुलाकात होगी। कल है मंडे का दिन, आप ही का दिन होगा। आज इतना ही, रविवार की शाम सितारों के नाम में। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।